सरकार की ओर से पीएम मोदी को पिछले 2 सालों में मिले गिफ्ट और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। इस ई नीलामी में टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में परचम लहराने वाले होनहारों के बैडमिंटन, फेंसिंग, ग्लव्स और भाले में लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक खिलाड़ियों के उपकरणों को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी की फेंसिंग, पैरालंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर और सिल्वर मेडलिस्ट सुहास एलवाई के रैकेट की बोली 10-10 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की बोली 1 करोड़ 20 लाख पहुंच चुकी है। मुक्केबाज लवलीना के बॉक्सिंग ग्लव्स भी 1 करोड़ 80 लाख के पार जा चुके हैं। बता दें कि 17 सितंबर से शुरू हुई ये ई नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों, स्मृति चिन्हों, उनकी जैकेटों और अन्य सामान को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि नीलामी में 2700 से ज्यादा चीजें शामिल हैं। बता दें कि नीलामी से प्राप्त होने वाली रकम को नमामि गंगे मिशन में प्रयोग किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।